बता देंगे राजद के बड़े नेता के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दी जा सकती है, तो सोचिए एक आम बिहारी की इज्जत आबरू को कैसे ये लोग आके बिहार में तार-तार करेंगे। ये हम लोग को सोचने की जरूरत है। ये घमंड, ये अहंकार है राजद के लोगों का, ये अहंकार है महागठबंधन के लोगों का, जिस अहंकार की वजह से ये लोग सोचते हैं कि बिहार और बिहारी सिर्फ और सिर्फ इनकी जागीर है। आजकल एक बेटी आई है, टूरिस्ट बेटी, वो सीधे सिंगापुर से आई है और सिंगापुर से छपरा का चुनाव लड़ने आई। लालू जी ने दो बेटा दो बेटी को तो सेट कर दिया, ये जो पांच को बेटी बच गई है उन बहनों का क्या होगा, ये जानना चाहता है भारतीय जनता पार्टी। 15 साल इन महागठबंधन के लोगों को हम लोगों ने देखा, राजद के लोगों को हम लोगों ने देखा। आज ये लोग आते हैं, बड़े बड़े विकास की बातें करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। भाई 15 साल आपके परिवार के सदस्य बिहार के सर्वोच्च पद पर थे, उस वक्त आप लोगों ने कहा नहीं की। आज अगर राजद के बड़े नेता के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दी जा सकती है, तो सोचिए एक आम बिहारी की इज्जत आबरू को कैसे ये लोग आके बिहार में तार-तार करेंगे। ये हम लोग को सोचने की जरूरत है। ये वही जंगलवास की परछाई है, उसी की आवाज सुनाई देने लग गई है। किस तरीके से मां बहनों को आज गालियां दी जा रही है, सर्वआम उन लोग को बेइज्जत किया जा रहा है। ये घमंड, ये अहंकार है राजद के लोगों का, ये अहंकार है महागठबंधन के लोगों का, जिस अहंकार की वजह से ये लोग सोचते हैं कि बिहार और बिहारी सिर्फ और सिर्फ इनकी जागीर है। पर आज की तारीख में बिहार बहुत आगे निकल गया। आज बिहार किसी की जागीर नहीं है, आज बिहार बात करता है तो बिहार फौज की और बिहारी फौज की बात करता है। इस सोच के साथ बिहार के विकसित निर्माण के, विकसित राज्य बनाने के निर्माण के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और सबसे आग्रह है कि एनडीए को और मजबूती देने का आप लोग काम करें। लेकिन दूसरे तरफ कौन पार्टी है, लालटेन का युग खत्म हो गया, एलईडी बल्ब आ गया साथ, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मैं, लालू प्रसाद जी कहते हैं कि मैं जब हटूंगा तो मेरी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा मेरा बेटा जो क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढो रहा था, उसको मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा कि मेरा दूसरा बेटा किसने पत्नी पे अत्याचार किया, इसने एक पत्नी को घर से भगा दिया, उसको मंत्री बनाओ। फिर अभी राम कृपाल जी यहाँ बैठे चले गए, राम कृपाल यादव जी ने जब मीसा यादव को चुनाव हरा दिया तो कहा हमारी बेटी को राज्यसभा भेज दो। आजकल एक बेटी आई है, टूरिस्ट बेटी, वो सीधे सिंगापुर से आई है और सिंगापुर से छपरा का चुनाव लड़ने आई। आप सोचिए जिसने कभी कोई पॉलिटिकल काम नहीं किया हो वो सीधे सिंगापुर से आके चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मैं तो न्याय मांगने वाला हूँ, बिहार का उप मुख्यमंत्री हूँ, बिहार की जनता के साथ न्याय देखना चाहता हूँ। लालू जी ने दो बेटा दो बेटी को तो सेट कर दिया, ये जो पांच को बेटी बच गई उन बहनों का क्या होगा, ये जानना चाहता है भारतीय जनता पार्टी। पांच बहने क्या एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, क्या राज्यसभा भेजेंगे, ये सोचने का विषय है साथियों। एक तरफ सिर्फ परिवार है, कोई आरक्षण नहीं है, अपने लिए आरक्षण है। लेकिन साथियों बेगूसराय के लोगों से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, गिरिराज जी को एक बार और मौका दीजिए। और गिरिराज जी ऐसे लोग हैं जो देश में देश के प्रधानमंत्री के पीठ पर खड़ा होते हैं। आज जो 56 इंच वाला सीना वाला प्रधानमंत्री आपको मिला है, इसलिए मिला है कि आपने कमल खिलाने का काम किया, एनडीए की सरकार बनाने का काम किया। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।